इलाहाबाद के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को 3 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 40 दिन की अंतरिम जमानत भी मंजूर की। पूर्व मंत्री ने सजा के बाद जमानत अर्जी दाखिल की थी। आज अभियुक्त राकेश धर त्रिपाठी पूर्व मंत्री को माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) सपटित धारा 13(2) में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर अशोक कुमार शुक्ल द्वारा दिनांक 6/7/12 को डीजी यानी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें नियमतः जांच हुई। जांचों उपरांत और शासन की अनुमति लेने के बाद सतर्कता अधिष्ठान परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम द्वारा दिनांक 18/6/2013 को थाना मुट्ठीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 107/13 दर्ज कराया गया और इसमें खुली जांच भी हुई और बाद में क्या हुआ, जांचों उपरांत इसमें अभियुक्त राकेश धर त्रिपाठी व उनके आश्रितों की ज्ञात व वैध स्रोतों से कुल आय 45,80,275 रुपये पाया गया और वे 1,81,20,560.60 रुपया पाया गया। राकेश धर त्रिपाठी राज्य की भाजपा और बसपा सरकार में मंत्री रहे। 18 जून 2013 को सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने उनके खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। स्पेशल कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया था। मामले की सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2023 को ही फैसला सुनाया जाना था, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री की पत्नी प्रमिला त्रिपाठी और बेटी पल्लवी त्रिपाठी की आय को भी शामिल करते हुए मां बेटी को गवाही के लिए तलब किया था। इसके कारण फैसला टल गया था।